आखिर क्यों ध्रुव राठी को अपने चैनल पर यह बात कहनी पड़ी? अगर मेरे YouTube या WhatsApp चैनल को ये लोग हटाने की कोशिश करते हैं तो बैकअप के तौर पर मेरी iOS और Android App Stores पर एक ऐप है, ध्रुव राठी ऐप है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे बैकअप के तौर पर डाउनलोड करो ताकि मैं आप तक हमेशा संदेश पहुंचा पाऊं। क्या सच में ध्रुव राठी का चैनल खतरे में है? दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिस वीडियो का टाइटल था द रियलिटी ऑफ ब्रेन वॉश, और यह वीडियो थी व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर, जिसमें ध्रुव राठी ने बताया था कि किस तरह लोगों को व्हाट्सएप के जरिए गुमराह किया जा रहा है और लोगों को किस तरह ब्रेनवाश किया जा रहा है। वैसे आप लोग तो जानते हैं कि ध्रुव राठी का चैनल कोई छोटा मोटा चैनल तो है नहीं, और इनके चैनल से लगभग 2.25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, और उनके हर एक वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, और ज़्यादातर इनके वीडियो 15 से 20 मिलियन व्यूज भी पार कर जाते हैं। खैर, यह हमारा मुद्दा नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले ध्रुव राठी ने अपने वीडियो द रियलिटी ऑफ ब्रेन वॉश के माध्यम से देश की बड़ी बड़ी पार्टी तथा गोदी मीडिया से लेकर कुछ बड़े बड़े लोगों को टारगेट किया है, और बताया कि किस तरह धर्म के नाम पर और झूठी झूठी अफवाहों के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और ध्रुव राठी को ये वीडियो बनाते समय यह कहना पड़ा कि अगर मेरे YouTube या WhatsApp चैनल को ये लोग हटाने की कोशिश करते हैं तो बैकअप के तौर पर मेरी iOS और Android App Stores पर एक ऐप है, ध्रुव राठी ऐप है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे बैकअप के तौर पर डाउनलोड करो ताकि मैं आप तक हमेशा संदेश पहुंचा पाऊं। दरअसल ऐसा ध्रुव राठी को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ध्रुव राठी को ऐसा लगता है कि आज तक जिसने भी सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है उसकी आवाज दबा दी गई है। पर सवाल अब यह उठता है, क्या इनका चैनल सच में डिलीट कर दिया जाएगा? और अगर डिलीट हो गया तो YouTube इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो इन्हें रेगुलर देखते हैं, क्या वे शांत बैठेंगे? और इन सारे सवालों का जवाब आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सो हमारा पहला सवाल है, क्या इनका चैनल सच में डिलीट हो जाएगा? इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, पर इस टॉपिक में मेरा यह ओपिनियन है कि दरअसल देखो यार, चुनाव आने वाला है तो तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि ध्रुव राठी के चैनल पर 19 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं, और इनकी वीडियो 30 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की पहली पसंद है। और अगर इनका चैनल किसी भी वजह से अगर डिलीट हो जाता है तो इसका आने वाला चुनाव पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ेगा, और इतना असर पड़ेगा कि अगर इनका चैनल किसी ने डिलीट नहीं भी करवाया और बाय चांस YouTube के किसी गाइडलाइन की वजह से इनका चैनल डिलीट हो जाता है, यानी कि अगर YouTube ने भी इनका चैनल डिलीट कर दिया तो भी बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हो जाएगा, और बवाल इतना होगा कि आने वाला चुनाव में इसका साफ असर देखा जाएगा, और इनके सब्सक्राइबर को यही लगेगा कि इनका चैनल किसी पॉलिटिशियन के द्वारा डिलीट करवा दिया गया है, और यह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, जिस वजह से इनका चैनल डिलीट होना तो दूर की बात है, और YouTube ने भी किसी प्रकार का गाइडलाइन भी लगाया तो भी YouTube को इनके चैनल से गाइडलाइन को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक की डिमांड रहेगी और पब्लिक हाहाकार मचा देगी। और हमारा अगला सवाल यह था कि क्या YouTube इनका चैनल डिलीट करना चाहेगा? तो मैं आपको यह बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 90A ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब हुआ कि संविधान हमारे ओपिनियन को व्यक्त करने की आजादी दी है, उसके अनुसार हम अपने सरकार से लेकर किसी भी टॉपिक पर आवाज उठा सकते हैं। और देखो यार, अगर तुम यूट्यूबर हो और YouTube एल्गोरिथम की थोड़ी सी भी समझ है तो तुम यह जानते होगे कि और YouTube अपने पूरे कमाई का 45% हिस्सा खुद रख लेता है और 55% हिस्सा क्रिएटर को देता है, यानी कि अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो इससे YouTube को भी उतना ही फायदा है जितना कि आपको है। इसलिए YouTube भी ध्रुव राठी के चैनल के जैसे बड़े चैनल को डिलीट करना नहीं चाहेगा। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बता। क्या ध्रुव राठी का चैनल सच में डिलीट हो जाएगा?